नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विवर्गी स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल ऑल टेक्निकल अपडेट्स में। दोस्तों आज की जॉब नोटिफिकेशन लेके आए हैं KIOCL लिमिटेड की तरफ से हम। जी हाँ दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में काम करती है, मिनी रतन के अंदर में आती है, PSU के अंडर में आती है, तो इसमें आप सभी के लिए एक बढ़िया रिक्रूटमेंट निकली हुई है। दोस्तों पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पर समझ में आए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होने वाला है, क्या एज लिमिट होने वाली है, कितनी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, क्या एज लिमिट यहाँ पर रखी हुई है, और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल आउट करना है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको सभी चीज़ें यहाँ पर समझ में आए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हम डेली बेसिस पर आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब की अपडेट लाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर जरूर चेकआउट करें। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये है KIOCL लिमिटेड का लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 जून का ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि हम डेली बेसिस पर जो नोटिफिकेशन लाते हैं सबसे पहले आपके पास पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी बेनिफिट हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ठीक है। इसमें MBA और MCOM वाले ग्रेजुएशन वाले एप्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो जॉब नोटिफिकेशन है वो सिर्फ MBA और MCOM वालों के लिए है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी निकली है, इसका जो डिपार्टमेंट होने वाला है आपका बेंगलुरु या बेंगलुरु में होने वाला है, ठीक है। यदि हम जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी बढ़िया ये रिक्रूटमेंट MBA वालों के लिए निकली हुई है। तो फर्स्ट जो जॉब नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये है ऑफिस ट्रेनिंग के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने वाली है। इसमें अकाउंट डिपार्टमेंट और फाइनेंस में आपका काम होने वाला है, ठीक है। 20,000 से 25,000 सैलरी आपकी यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया ये सैलरी है। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें MBA वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ में MCOM वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 65% इसमें होना चाहिए आपका, ठीक है। यदि हम बात करते हैं इसके एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, और आप देख सकते हैं कि आपको किस किस टाइप का यहाँ पर वर्क करते याद होना चाहिए, ठीक है। इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, आप वहाँ से जाकर जरूर चेकआउट करें, ठीक है। यदि हम बात करते हैं इस पोस्ट के लिए, जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स का रखा गया है, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर 1 साल का रखा गया है, 31 मई तक, ठीक है। अब यदि हम नेक्स्ट जॉब की बात करते हैं तो वो आ रही है यहाँ पर ऑफिस ट्रेनिंग के लिए, जो कि कमर्शियल डिपार्टमेंट में होने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 3 होने वाली है। 20 से 25,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। साथ में यदि आपने MBA किया हुआ है तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 60% का क्राइटेरिया आपको यहाँ पर फुल आउट करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस यदि हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी इसेंशियल है, तो कौन कौन से डिजायरेबल है, ठीक है। बट आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस शो आउट करना पड़ेगा। एज लिमिट की यदि हम बात करते हैं तो वही आपके 30 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस यहाँ पर 1 साल का मांग लिया गया है, ठीक है। अब यदि नेक्स्ट पोस्ट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ऑफिस ट्रेनिंग की वैकेंसी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकली है। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट होने वाला है ये परचेस डिपार्टमेंट होने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट ये है 4, और यहाँ पर 20 से 25,000 रुपये सैलरी आपको होने वाली है, ठीक है। MBA होना चाहिए 60% के साथ। अगेन 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांग लिया गया है। एज लिमिट सेम रखी गई है 30 ईयर्स। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि आ रही है यहाँ पर ऑफिस ट्रेनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जिसमें आपका GM प्रोडक्शन बेंगलुरु में काम करने का मौका मिलने वाला है, ठीक है। 20 से 25,000 सैलरी होने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 रखी गई है यहाँ पर, ठीक है। अगेन यहाँ पर MBA मांग लिया गया है 60% के साथ। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है और आपको यहाँ पर सिलेक्शन जल्दी होने वाला है। एज लिमिट 30 होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर 1 साल का रखा गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं वो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट की, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 रखी गई है। यहाँ पर 25,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। MBA आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है। जितने भी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है दोस्तों, ग्रेजुएशन के साथ यदि MBA है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60% का क्राइटेरिया यहाँ पर फुल आउट करना पड़ेगा 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल का मांग लिया गया है।
नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यहाँ पर तो एंड पोर्ट फैसिलिटी डिपार्टमेंट में आपका जॉब नोटिफिकेशन निकला हुआ है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दो निकली है, बाकी का क्राइटेरिया आपको सेम फुल आउट किया हुआ है। जैसा आपको फर्स्ट बताया था वैसा ही सब कुछ यहाँ पर फिल आउट करना है। वैकेंसी इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग निकाली है। जैसे यहाँ पर निकाला है टेक्निकल सर्विस में, जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है MBA के साथ 20 से 25,000 सैलरी मिलने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट दो रखी गई है, ठीक है, एक साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांग लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो जॉब है वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के लिए है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट एक निकाली गई है, 20 से 25,000 सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ग्रेजुएशन MBA के साथ किया हुआ है 60% के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यदि आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 ईयर्स, एक्सपीरियंस 1 ईयर का रखा हुआ है। ठीक है, SC ST OBC EWS कैंडिडेट को यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के थ्रू आपको यहाँ पर एज रिडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको यहाँ पर जॉब होने वाली है वो 3 साल की होने वाली है। तो मतलब आपको 3 साल का एक्सपीरियंस वहाँ से मिलने वाला है, एंड देन आप वो अलग सर्टिफिकेट किसी और कंपनी में लगाएंगे तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग होने वाली है KIUCL वेबसाइट पर इस एप्लीकेशन की, वो 25 जून से होने वाली है और 9 जुलाई तक इसका लास्ट डेट होने वाला है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, क्योंकि हम पहले से ही आपको कई बार अपडेट दे चुके हैं कि हम जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमेशा तैयार रहे, रेडी रहे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये चीज़ पता लग जाए। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें फुल आउट करना है, सारी चीज़ें आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, उनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना, अप्लाई करने की पूरी प्रोसीजर इन्होंने दी हुई है यहाँ पर कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको सारी चीज़ें फुल आउट यहाँ पर करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कौन कौन से प्रूफ आपको लगाना है, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अप्लाई लिंक जैसे ही ओपन होती है हम आपके लिए एक नया वीडियो बनाकर ला देंगे, जिसमें हम आपको बता देंगे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई लिंक ओपन होती है दोस्तों, तो हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज की ये पूरी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, इससे आने वाली जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।